एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज का विषय सोशल नेटवर्किंग और युवा वर्ग। विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है शहर की युवा बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर माधुरी जी अग्रवाल। मित्रों, सोशल नेटवर्किंग ने, इंटरनेट ने हमारे जीवन में कुछ ऐसा स्थान बना लिया है कि पिछले हफ्ते व्हाट्सएप पर जो मैसेज घूम रहा है वो इस तरह से है कि जिस तरह से लोगों में नोट के चलते नींद हराम हो गई और अगर नेट बंद हो जाए तो पता नहीं क्या होता था। मैम, जिस तरह से हमने इसके फ़ायदे देखे हैं कि नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट के जो युवा पर इतना सारे उनके लिए फ़ायदेमंद है, पर इसके चलते कुछ नुकसान, साइड इफ़ेक्ट्स भी है। हमारे दर्शक उस बारे में आपकी सलाह चाहेंगे। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल नेटवर्किंग साइट को अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो इसके सिर्फ फ़ायदे ही हैं, लेकिन आजकल जो देखा गया है कि युवा पीढ़ी इसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रही है और मिस यूज़ कर रही है, तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट के इफ़ेक्ट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स कहेंगे, वो इसलिए हैं क्योंकि युवा पीढ़ी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है या उसका मिस यूज़ कर रही है। तो एज अ पीडियाट्रिशियन मैं ये कहूँगी कि ओवर यूज़ करने की वजह से युवा पीढ़ी के शरीर पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है और उनकी मनस्थिति पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। शरीर पे इफ़ेक्ट ऐसे हो रहा है, जैसे कि आपने कहा कि युवा पीढ़ी 4 से 5 घंटे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अवेलेबल हैं, उसका कोई उनके पास टाइमिंग नहीं है। यूजुअली बच्चे स्कूल जाके आते हैं और शाम को चैटिंग करना शुरू करते हैं, वो चैटिंग उनकी ख़त्म होती है अराउंड 11 o'clock, 12 o'clock, उसके बाद वो सोते हैं। तो स्पेसिफ़िकली युवा पीढ़ी को नींद नहीं होती है उनकी, स्लीप डिस्टर्बेंस है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल इफ़ेक्ट में सोशल नेटवर्किंग साइट के। दूसरा इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन डाइट, बैठे बैठे बच्चे चैटिंग करते करते जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं या कुछ बच्चे बहुत निग्लेक्ट करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट होता है ओबेसिटी या माल न्यूट्रिशन। ये इफ़ेक्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट के। दूसरा इफ़ेक्ट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ईटिंग, ओबेसिटी एंड सिडेंट्री लाइफस्टाइल, उसके अपने अपने आगे आगे इफ़ेक्ट्स अपने को आगे पता चलेंगे जैसे कि समय आएगा। दूसरा इफ़ेक्ट अपन बोलेंगे जो मानसिक इफ़ेक्ट हो रहा है, एक है एडिक्शन। सर, एडिक्शन अभी तक अपन ये वर्ड यूज़ करते थे अल्कोहल के लिए या ड्रग्स के लिए, लेकिन अब एडिक्शन ये वर्ड सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए भी आ गया है क्योंकि बच्चे कंटिन्यूसली वो ही सर्च करते रहते हैं। उसके लिए उनके लिए वर्ड्स है चेकर्स, दे आर कंटिन्यूसली चेकिंग कि किसने मुझे क्या पोस्ट किया है, फेसबुक पे किसने क्या अपलोड किया है, मैंने अभी ये फ़ोटो भेजा है तो मुझे कितने लाइक्स मिले हैं। तो इस बच्चों के अंदर कंटिन्यूस इस चीज़ की एंग्जाइटी होती रहती है कि हमें कितने पोस्ट आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, कि भले ही अपन बोल रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट, बट इट इज़ नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट, ये काल्पनिक दुनिया बन गई है बच्चों के लिए, ये रियल वर्ल्ड से टोटली अलग है। काल्पनिक दुनिया में रहने की वजह से आसपास, अपने आसपास क्या हो रहा है बच्चों को पता नहीं है। आजकल पेरेंट्स बच्चों को किसी सोशल प्रोग्राम में लेके जाते हैं, तभी भी बच्चे कंटिन्यूसली मोबाइल पे, फेसबुक पे बातें करते रहते हैं, उनके पास ये गट्स ही नहीं है कि वो सामने किसी से बात कर सके। ये ओवर यूज़ के मानसिक इफ़ेक्ट हैं। अब अपन आएंगे कि उसका अगर मिस यूज़ होता है तो सोशल नेटवर्किंग साइट का मिस यूज़ हो रहा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइबर बुलिंग। बुलिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपशब्द का इस्तेमाल। बुलिंग ऐसा नहीं है कि जब से इंटरनेट आया है तब से ही हो रहा है, बुलिंग पहले भी होता था, स्कूलों में होता था, स्ट्रीट्स पे होता था, लेकिन साइबर बुलिंग इंटरनेट पे होने की वजह से ये लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया है क्योंकि यहाँ पे कोई सामने आपको देख नहीं रहा है। अगर आप किसी के लिए अपशब्द यूज़ कर रहे हैं तो वो इंसान आपको देख नहीं रहा है, और जो एक इनिबिशन होता है वो इनिबिशन नहीं है साइबर बुलिंग में। साइबर बुलिंग का जो बच्चे बुलिंग होते हैं उनके मानसिक स्थिति पे बहुत ही बुरा परिणाम होता है। ऐसे बच्चे ना पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, वो कभी किसी को फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। तो अपने को ये साइबर बुलिंग अभी आज की स्थिति में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा या मिसयूज़ करने का, सेक्सटिंग।
बच्चे अपने ही एज ग्रुप के साथ फ्रेंड्स नहीं होते हैं, बड़ों के साथ भी फ्रेंड्स होते हैं, तो कभी कभी उनके मोबाइल पे ऐसे दृश्य आ जाते हैं जो उन्हें नहीं देखने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मिसयूज़ है सोशल नेटवर्किंग साइट का। थर्ड मिसयूज़ है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है सर कि एक फेक साइट पे लॉगिन करना, जैसे कि अपन अभी फेसबुक या व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, तो फेसबुक में एक कोई लास्ट वर्ड लाइक के, वो कैपिटल रहेगा, बट वो फेसबुक नहीं है। और अगर आपके बच्चे ने उस पे लॉगिन कर लिया तो आपके बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन जिसने भी ये साइट बनाई है उसके पास चली जाती है, और वो आपके बच्चे की तरफ से कोई भी मैसेज किसी को भी भेज सकता है, या आपके बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। फोर्थ साइड इफ़ेक्ट है सर कि फिशिंग विदाउट लूजिंग योर लॉगिन आईडी। इसमें अपना जो लॉगिन आईडी है वो डायरेक्टली जो भी फेक अपना आईडी बना रहा है उसके पास चले जाता है, और वो अपने प्राइवेट अकाउंट में से अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ कर सकता है, जो आगे के लिए अपने यूज़फुल नहीं है। तो इसलिए अपने को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक टर्मिनोलॉजी है डिजिटल फुटप्रिंट, कि आज तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा फुटप्रिंट है। और ऐसे बच्चों का जो इंटरनेट को मिसयूज़ करते हैं उनका फुटप्रिंट अच्छा नहीं बनता है। मित्रों, जिस सोशल नेटवर्क की जहाँ से हमने चर्चा शुरू की थी, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, उसको आसपास में सामाजिकता चाहिए और समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान चाहिए। इस बढ़ते चलन के ये हो रहा है कि हमने एक जो शब्द यूज़ किया है उसका उन्होंने एडिक्शन यानी व्यसन, तो व्यसन इस तरह से हो रहा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप या अपने सिस्टम पर इस तरह से गूंथे हुए हैं कि आसपास में क्या हो रहा है उससे कटे हैं। तो सामाजिकता चाहिए हमारे समाज में, जिस तरह से हम लोगों से मिलना जुलना चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं। एक बहुत पुरानी ऐसी बात थी कि इंग्लैंड में एक 80 वर्षीय महिला ने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया और देखते देखते उनके 5,000 फ्रेंड्स हो गए, और इस महिला का कमेंट हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायी कमेंट है कि उसने कहा कि इन 5,000 में से अगर ये 50 लोग भी मेरे मित्र होते तो मुझे इस फेसबुक पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो हमारा सोशल नेटवर्किंग है ये हमारा काल्पनिक है। अब कल्पना कीजिए कि हम पूरा परिवार किसी बुजुर्ग से मिलने गए हैं, वहाँ पर उन्होंने पूरी तैयारी हमारे भोजन की है, और भोजन के पहले सब लोग अपने अपने मोबाइल पर विशिष्ट सोशल नेटवर्क, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक पर, सब लेके बैठे हैं, और वह बुजुर्ग व्यक्ति हम सब लोगों को बारी बारी देख रहा है कि मुझसे कोई बात तो करो। मित्रों, कहाँ गई सामाजिकता और क्या फ़ायदा हो सामाजिक सोशल नेटवर्किंग का? बुलिंग शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है इसका अर्थ हुआ है कि कुछ एक लोग एक फेक, एक नकली आइडेंटिटी बनाकर व्यूअर, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको डराते धमकाते हैं, किसी तरह के अपशब्द बोलते हैं, और इसके चलते उनके मन में जो हीन भावना आई है उसे हो सकता है कि इस उम्र में, जैसे मैंने बताया कि वे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उजागर नहीं कर पाते, और अंदर के अंदर घुलते हुए उनके मन में एक डर समा गया है, हीन भावना आ गई है और आत्मविश्वास की कमी आई है। इसके जब फायदों की चर्चा हो रही तो विशेषज्ञों का ऐसा मानना था कि सोशल नेटवर्क में बच्चा जो मुँह से नहीं कह पाता शायद वो लिखने के द्वारा सोशल नेटवर्क में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आप को उजागर कर सकता है। लेकिन उसका जब आगे स्टडी हुई तो दुष्परिणाम ये हुआ कि लोगों ने पर्सनल कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन छोड़कर नेटवर्किंग का सहारा लिया है। हो सकता है ऐसे बच्चे अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने में इन साइट्स का उपयोग करें बजाय कि हम लोगों के साथ बैठकर आपस में संवाद करने के। मित्रों, समस्या जितनी गंभीर है, लेकिन जहाँ हर समस्या उसका कहीं ना कहीं समाधान भी है, सोल्यूशन भी है। मैडम, जब इतनी हमने समस्याओं पर चर्चा की है तो निश्चित तौर से, जैसे मैंने कहा कि हर समस्या कहने की समाधान है, कहीं अगर ताला है तो उसकी चाबी भी बनी है, तो इस विषय में आप इन युवा वर्ग के पेरेंट्स को, पालकों को क्या सलाह देंगी? सर, युवा वर्ग के पालकों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। युवा वर्ग के पालकों को ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे उनका कोई खिलौना नहीं है, उनके खुद की एक आइडेंटिटी है, उनकी खुद की एक सोच है।
तो इसलिए बच्चों को कभी भी किसी और के सामने धुतकारना नहीं है, और जो भी आपको समझाना है वो प्यार से बैठ के समझाओ। बहुत पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं। उससे उसका सबसे इजी सॉल्यूशन है कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप पहले से ही अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आवाज़ आएगी क्या? अगर आप पहले से ही अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चे का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अपने माता या पिता को कुछ भी बताऊंगा, मेरे माता और पिता हमेशा मेरे साथ में रहेंगे। दूसरा पॉइंट है सर कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उन्हें टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है अपने पेरेंट्स से, तो ये जो गैप है पेरेंट्स का और बच्चों के बीच का, ये मिटाना ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी वो टेक्नोलॉजी जहाँ तक हो सके वो सीखने का कोशिश करना चाहिए। जब बच्चों को पता रहेगा कि पेरेंट्स को भी ये टेक्नोलॉजी पता है, तो डेफिनेटली बच्चे पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तीसरा एक अपन सॉल्यूशन बोल सकते हैं सर कि पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी अगर आपका बच्चा आपको कहता है कि मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पे मेरा प्रोफाइल ओपन करना है, तो उसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करिए। ऐसा मत बोलिए कि आप अभी छोटे हो या आपका उसमें कुछ काम नहीं है। अगर आप उनको आप नहीं ओपन करके दोगे तो वो किसी और के पास जाएंगे और वो शायद गलत तरीके से या गलत इस पे ओपन करेंगे। तो बेटर है कि आप वो समझ लीजिए, और अपने अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो ओपन करे अपना प्रोफाइल, तो आप उसके साथ में बैठ के उसका प्रोफाइल ओपन कीजिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो आप प्राइवेट रखिए, पब्लिक मत कीजिए। और इन्फॉर्मेशन जो आपको देना है उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए कि लोग आपको ट्रेस कर सकें। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर फोटोग्राफ्स। बच्चों को ये सिखाइए कि कोई भी फोटोग्राफ इंटरनेट साइट पे अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि एक बार आपने अपलोड कर दी तो आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। इसको कहते हैं टेक बैक, देयर इज़ नो टेक बैक इन ऑन इंटरनेट। तो फोटो अगर उनको ये समझाना है कि कौन सी फ़ोटो अपलोड करनी है या कौन सी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, तो सिंपल शब्दों में आप उनसे ये पूछिए कि क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपका एम्प्लॉई या आपका एम्प्लॉयर ये फ़ोटोग्राफ देखे। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप ये फ़ोटोग्राफ पोस्ट कर सकते हो। और जो भी आपको पोस्ट करना है, आपकी जो विचार है, अगर आपको पोस्ट करना है, वो पोस्ट करने के पहले दो या तीन बार सोचिए, क्योंकि अगेन रीज़न वही है कि आप एक बार आपने पोस्ट कर दिया तो आप वापस नहीं ले सकते। और आखिरी में सॉल्यूशन है कि बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हो रही है, आपके फ़ोटोग्राफ्स गलत तरीके से यूज़ हो रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो देयर इज़ अ साइबर पुलिस। आप कभी भी पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो संक्षेप में हम इस तरह समझें कि पालकों को बदलती टेक्नोलॉजी के साथ स्वयं को बदलना चाहिए, उन्होंने कदम से कदम मिला के इसको अपनाना चाहिए। और मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने हमेशा से कहा है कि पालकों ने बच्चों को अपना मित्र मानना चाहिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, चाहे किसी भी उम्र का हो। और जब बच्चा किशोरावस्था और बाद में युवावस्था की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें खुद की सोच, खुद की समझ तैयार हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो पालकों से मेल खाए, और इस मिसमैचिंग के चलते पालकों ने अपना दबाव, अपना प्रेशर, अपना प्रभुत्व डालते हुए बच्चे को हर बार दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जो बच्चा चाहता है उसे आप पूरी तरह से सुन लीजिए, बिना किसी रोक टोक के उसे पूरा समय दीजिए। जब आप बात कर रहे हैं तो आपके मोबाइल, आपके टीवी, आपके फ़ोन सब बंद हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान से उसे सुने। सुनने के बाद अगर उसकी कहीं कोई गलती दिखती है तो उसे प्रेम से और अकेले में समझाइए। ये नहीं हो कि चार लोगों के बीच उसकी चर्चा करें, उसके दोष गिनाएं, उसकी कमियां गिनाएं। निश्चित तौर से बच्चे के अहम को चोट पहुंचाएगी। और इस समय में अगर बच्चा विद्रोही प्रवृत्ति अपनाता है तो जिस काम को हमने मना किया उस काम को अवश्य करेगा। साइबर क्राइम एक एस्टेब्लिश टर्मिनोलॉजी हो गई है, और पिछले 3 वर्षों में इसमें तकरीबन 57% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की ओर ध्यान दें तो 47% बच्चों ने माना है कि हमने हमारे पेरेंट्स को, हमारे
सोशल साइट नेटवर्क का जो यूज़ है उसके बारे में नहीं बताया या शायद उन्हें पता नहीं है। हाँ, एक बात की और जो मैंने इशारा किया है कि प्राइवेसी, कि पेरेंट्स के तौर पर आपने अपने बच्चों के कार्यकलाप पर निगरानी रखना है, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो इसमें अपनी दखलंदाजी माने, क्यों बढ़ती उम्र के साथ वो अपनी प्राइवेसी चाहता है। तो आप उनके मित्रों पर, मित्र वर्ग पर और उस पर इस तरह से निगरानी रखें कि वहीं किसी को हर्ट ना हो। मैम, अब हम चर्चा के अंतिम दौर में हैं, तो जो युवा वर्ग हमारा एनर्जी उत्साह से ओतप्रोत है, इसका वो भली भांति बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है, और जैसा आपने बताया कि अगर ओवर यूज़ हुआ या मिस यूज़ हुआ तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको और अच्छा बनाने के लिए हमारी युवा को क्या सलाह देंगी? सर, जैसे कि आपने कहा कि युवा पीढ़ी में बहुत उत्साह है, तो मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि उस उत्साह को एक सही डायरेक्शन में लगाइए। अगर आपके पास उत्साह है तो आप किसी की मदद कीजिए, अगर आपके पास समय है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए, कुछ एक्सप्लोर करिए, कहीं जाइए। तो अगर आप बिज़ी रहोगे तो आप उसके अडिक्ट नहीं बनोगे, और अगर आप इसके मिसयूज़ से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को सेफ रखना है। अपने कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने स्कूल का नाम इंटरनेट साइट पे अपलोड नहीं करना है जहाँ तक हो सके। जो भी आपको मेल्स आते हैं या जो भी आपको पोस्ट आते हैं, अगर वो साइट एक्सेसिबल है एंड रिलायबल है तो ही उसे ओपन करना है, नहीं तो उसे ओपन नहीं करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है, किसी भी अननोन पर्सन से अकेले में नहीं मिलना है मीटिंग, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अजनबियों से बात करते हैं और फिर वो अजनबी लोग उनसे मिलने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं और बच्चे उसी उत्साह में जाके उनसे मिल लेते हैं, तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स इसी वजह से होते हैं। तो ये मिलना अवॉइड करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स को बताओ या अपने फ्रेंड्स को बताओ या पुलिस को बताओ। तो ये बताना सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंदर ही अंदर घुटना नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करो, क्योंकि सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा सोशल नेटवर्किंग और उसका युवा वर्ग पर प्रभाव संपन्न हुआ। सोशल नेटवर्किंग एक दुधारी तलवार है, जहां इसके अनगिनत फायदे हैं, उसके मिसयूज या ओवरयूज से ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। युवा वर्ग जो टेक्नोसेवी हैं, कि जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज्ञान है, स्किल्स हैं, वे इसका बहुत उपयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से इस वैज्ञानिक प्रगति चलते हम अपने आप को प्रगत और उन्नत मानेंगे। लेकिन जैसा इसकी दूसरी धार, कि अगर इसका मिसयूज़ होता है, चाहे अपने से हो या दूसरों द्वारा किया जा रहा हो, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, न केवल हमारे लिए, हमारे परिवार, समाज और आखिर में देश के लिए। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, चाहे जाने या अनजाने में, तो इसे छिपाएं नहीं, इसे डरें नहीं, इसे खुले तौर पर कबूल करें। और सबसे पहले जो आपके मित्र, आपके हितचिंतक हैं, वे आपके पालक हैं। हो सकता है कि आवेश में वे आपको डांट सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन अंत में वे आपका भला चाहते हैं। और विश्वास मानिए कि इन सब पर रोक के लिए साइबर क्राइम, साइबर पुलिस स्थापित हुई है, इसके लिए कायदे कानून बने हैं जो आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव चाहते हैं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से या तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। समय की सीमा के चलते आपसे विदाई का समय हो गया, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। हमने हमारे दर्शकों के लिए हमेशा से एक शुभकामना रखी है कि आपका आने वाला कल आज से अधिक कल्याणकारी और मंगलमय सिद्ध हो। मैम, जितने रोचक ढंग से, इतने संवेदनशील विषय पर आपने हमारे दर्शकों के जो मार्गदर्शन किए हैं, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।